एक बड़ी अपडेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। जी, रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति के बाद सीटों पर आरक्षण की प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा। सुनवाई के बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। अप्रैल में अधिसूचना और मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल हो गई है, बड़ा अपडेट यह है। फोन लाइन पर है अनुभव शुक्ला, वो ज्यादा जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट कब दाखिल की गई अनुभव, और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार ने जो रिपोर्ट आई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो निकाय चुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है 350 पन्नों से ज्यादा, उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है और अब उसका सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। क्योंकि पहले राज्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च तक ये पूरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर ले, सभी सीटों पर जिस तरीके से रिजर्वेशन कैसे देना है ये पूरा तैयार कर ले, और उसके बाद 11 अप्रैल को सुनवाई की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन चूंकि रिपोर्ट पहले तैयार हो गई, सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में सौंप भी दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अब फैसला करेगा कि वो सुनवाई क्या पहले करेगा, क्या प्रीपोन करेगा सुनवाई को। अगर प्रीपोन नहीं करता तो फिर ये मानकर चलिए कि जब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ अपना फैसला सुनाएगा। सरकार की तो तैयारी पूरी है, उसने साफ तौर पर कह दिया कि रिपोर्ट आ चुकी है। और अब आपने देखा राज्य निर्वाचन आयोग की भी तैयारी है, क्योंकि 1 अप्रैल तक जो लिस्ट है मतदाता सूची है वो भी प्रकाशित करने की तैयारी है, जो भी लोग चाह रहे हैं जिनका नाम छूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जब अनुमति अगर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद जो है वो सीटों का आरक्षण को लेकर जो तय होगी प्रक्रिया उसमें थोड़ा संशोधन किया जाएगा, और इसके बाद आरक्षण की फाइनल सूची जो है वो आ जाएगी। मानकर ये चला जा रहा है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो ये निकाय चुनाव है 15 अप्रैल के आसपास कहीं ना कहीं वो उनकी तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी तैयारी है कि अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक ये चुनाव करा भी लिए जाए उत्तर प्रदेश में। जी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 31 मार्च तक की तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करने के लिए, लेकिन चूंकि रिपोर्ट पहले तैयार हो गई इसलिए पहले दाखिल भी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस मामले की सुनवाई की तारीख दी हुई है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिपोर्ट मौजूद है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई को पहले करता है या नहीं। प्रयागराज से आ रही बड़ी अपडेट के साथ, शाइस्ता परवीन पर बढ़ेगी इनाम की राशि, 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की जाएगी इनाम की राशि। पुलिस कमिश्नर की तरफ से इनाम की राशि में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। वारदात के बाद से फरार हैं शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी। अभी 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन अब इसे बढ़ाया जाएगा और किया जाएगा 50,000 रुपए। पुलिस कमिश्नर की ओर से शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कराने वाले के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की जाएगी, दोगुना कर दिया जाएगा इनाम। अभी फिलहाल 25,000 रुपए इनाम है शाइस्ता परवीन पर। यह बड़ी अपडेट प्रयागराज से। इससे पहले मैं आपको बताया कि जो 5 सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स हैं इस मामले में, प्रयागराज शूटआउट मामले में, उनकी इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई, और अब शाइस्ता परवीन पर भी इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।